वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के ज़ेरे सदारत इजलास में कहा गया है कि कौम पर मौलाना फजल रहमान के सियासी मकासद मजीद आया होने चाहिए। वो अपने एहतजाज के लिए अब 27 अक्टूबर तारीख न बदले। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के ज़ेरे सदारत हुकूमती और पार्टी तर्जुमानों का इजलास हुआ। इजलास में मौलाना फजल रहमान और अपोजिशन के एहतजाज पर भी बातचीत की गई। इजलास के खिताब में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना था कि मौलाना फजल रहमान अपनी डूबती सियासत बचा रहे हैं। हुकूमत मदरसों में रिफॉर्म्स ला रही है जिसकी मौलाना फजल रहमान को फिक्र है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना था कि मदारिस इस्लाहात पर मौलाना ज्यादा परेशान है। मदारिस में इस्लाहात से तलबा ऐसे सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकेंगे। इजलास के शुरका का कहना था कि मौलाना फजल रहमान अब 27 अक्टूबर की तारीख न बदलें और इस्लामाबाद आ जाएं। कौम पर भी मौलाना की सियासी मकासद मजीद आया होने चाहिए।